दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले, क्योंकि यही आपको नोटिफाई कराएगा जब हम यूट्यूब पे आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिविनेशन, निलेश। तो गाइस, किसी इंसान के बारे में आपने किसी को कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि यार इसका टाइम ख़राब चल रहा है। लेकिन किसी फिल्म के बारे में आप पहली बार आजकल ये सुन रहे होंगे कि यार इस फिल्म का टाइम ख़राब चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह स्टारर पद्मावती की। पद्मावती के जो कैरेक्टर्स हैं उनका जब लुक रिवील हुआ था, उसके साथ साथ जब उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था, एवरीवन वाज लाइक ओह माय गॉड व्हाट अ मूवी इट इज़। मैंने इसका एक ट्रेलर रिएक्शन किया था और फिल्म का ट्रेलर ख़त्म होने तक मेरी जुबान पे एक ही शब्द था कि ये फिल्म कमाल की होने वाली है, ये सुपर हिट है। और मैं ही क्या, जिसने भी ये ट्रेलर देखा सबकी जुबान पर यही चीज़ थी कि दिस मूवी इज़ गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर ऑफ 2017। तो 1 दिसंबर के लिए सब तैयार थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो हर जगह जहाँ पद्मावती की चर्चा थी, उनके लुक्स, फिल्म के बारे में तारीफ़ें हो रही थी, तो एक चीज़ ये भी हुई कि जब आपकी चर्चा होती है, आपके बारे में अच्छी बातें होती है, आप किसी की बुरी नज़र में भी आते हो। तो जैसे कि फिल्म को नज़र लग गई कि एक के बाद एक कॉन्ट्रोवर्सीज, एलिगेशंस फिल्म पे ऐसे लगे कि फिल्म जो December 1st को रिलीज़ होने वाली थी उसकी डेट आगे ढकेल दी गई और अभी जनवरी आएगा, फेब आएगा, मार्च आएगा, पर ये डिसाइड नहीं है कि ये फिल्म कब रिलीज़ होने वाली है। फिल्म जब बन रही थी तभी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज थे, लेकिन बहुत छोटे थे। लेकिन ट्रेलर लॉन्च के बाद एक के बाद एक एलिगेशंस और कॉन्ट्रोवर्सी ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि फिल्म को बैन करने तक की मांग होने लग गई। मेकर्स, एक्टर्स सब परेशान हो गए इस फिल्म के लिए। तो गाइस, आज के वीडियो में हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला, व्हाट इज़ द होल कंट्रोवर्सी, क्या क्या एलिगेशन किसने फिल्म के ऊपर लगाए हैं। दूसरा, हमारा ओपिनियन क्या है ये सब जानने के बाद। थर्ड, आपका ओपिनियन कि आपको क्या लगता है कि या ये सही है, गलत है, डू यू सपोर्ट पद्मावती और यू डोंट सपोर्ट पद्मावती। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ द होल कंट्रोवर्सी एंड व्हाट आर द एलिगेशंस। सो पद्मावती रिलीज़ होने वाली थी 1st of December को। तब राजपूत करनी सेना ने ये धमकी दी कि हम लाखों की संख्या में एकजुट होंगे और भारत बंद का आह्वान करेंगे, हम फिल्म को रिलीज़ नहीं होने देंगे 1st of December को। और उनका ये कहना था कि हमारे पूर्वजों ने इतिहास अपने खून से लिखा है, तो हम किसी को उस पर कालिक पोतने नहीं देंगे। इसी हंगामे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने सेंटर को रिटर्न में ये कहा कि इस फिल्म की रिलीज़ लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो सकती है और स्टेट की शांति को भंग कर सकती है। पद्मावती फिल्म के सॉन्ग घूमर पे भी बहुत से ऑब्जेक्शंस उठाए गए। ऑब्जेक्शन करने वाली थी हीना सिंह जुदियो, जो डॉटर इन लॉ है दिलीप सिंह जुदियो की, हु इज़ पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ रॉयल फैमिली। उनका ये कहना था कि हिस्ट्री में कभी भी किसी राजपूत रानी ने किसी के सामने भी डांस नहीं किया है, फिल्म मेकर्स इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राजस्थान की हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर किरण महेश्वरी जी ने भी इस ऑपोजिशन का साथ दिया। उनका कहना था कि ये फिल्म सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई गई है, इट इज़ जस्ट एंटरटेनमेंट, महारानी पद्मावती जैसी महान शख्सियत की कहानी को ये ख़राब कर रहे हैं एंड दिस वोंट बी एक्सेप्टेड। During one of the protests in Bengaluru, Uday Kumar Singh from Rashtriya Ekta Manch, उन्होंने कहा कि objectionable scenes should be deleted before the release of the movie. राजपूत करनी सेना, जो पहले से फिल्म को अपोज कर रही थी और जिन्होंने डिमांड की है पद्मावती को बैन करने की, उन्होंने टारगेट किया एक सिनेमा हॉल को जो आकाश मॉल में है इन राजस्थान कोटा। वहाँ पर जाके उन्होंने बहुत हल्ला मचाया, तोड़फोड़ की, क्योंकि वहाँ पर पद्मावती के ट्रेलर की स्क्रीनिंग हो रही थी। हरियाणा के मिनिस्टर विपुल गोयल ने फिल्म में चेंजेस की डिमांड की। उनका कहना था कि अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर को काफ़ी ग्लैमराइज करके पेश किया गया है। आप अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर को अगर ऐसे ग्लैमराइज करेंगे तो आप इनडायरेक्टली तारीफ कर रहे हो उन गलत लोगों की जो लड़कियों पे एसिड अटैक्स करते हैं। एक महिला हैं दिव्या कुमारी जी, जिनके दादा जयपुर के आखिरी रूलर थे। उनका कहना है कि राजस्थान की महिलाएँ बड़ी आहत हैं इस चीज़ से, बड़ी दुखी हैं ये देख के कि बलिदान की देवी महारानी पद्मावती को इस फिल्म में कितनी गलत तरह से पोर्ट्रे किया गया है। उनका कहना था
कि महारानी पद्मावती के बलिदान को फोकस करने के बजाय फिल्म हाईलाइट कर रही है एक रोमांटिक एंगल को, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। मनीष राठौड़, हु इज़ लीडिंग द गुजरात चैप्टर ऑफ करनी सेना, उनका कहना था कि संजय लीला भंसाली ने पद्मावती में इतिहास के साथ छेड़खानी की है। उनका कहना था कि उन्हें पता चला है कि फिल्म में एक ड्रीम सीक्वेंस है जहां पे रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है। तो ये काफ़ी घटिया चीज़ है और हम किसी भी हालत में ऐसी चीज़ को फिल्म में नहीं आने देंगे और ऐसी फिल्म को हम थिएटर में आने ही नहीं देंगे। राजपूत करनी सेना के लीडर लोकेंद्र सिंह कलवी ने तो दीपिका पादुकोण को ये धमकी दे डाली कि वो उनकी नाक काट देंगे। उनका कहना था कि एक राजपूत कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जो औरत मर्यादा पार कर जाए तो वो वही करेंगे जो लक्ष्मण ने शूर्पणखा के साथ किया था, नाक काट देंगे। सो गाइस, ये थे कुछ एलिगेशंस और ऑब्जेक्शन जो पद्मावती पे उठाए गए और जिसने एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया, और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कि आज फिल्म की रिलीज़ पे बात हो गई। तो अगर ये प्रोटेस्ट करने वाले मुझसे पूछे कि फिल्म में जब इतना गलत दिखाया गया है तो क्या हमारा प्रोटेस्ट करना रॉन्ग है, तो मैं कहूँगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछूँगा कि आपको पता कैसे चला कि ये सारी चीज़ें फिल्मों में हैं? आपको किसने बताया कि ये हैं? आपने देखी फिल्म? किसी ने नहीं देखी है, ना रिलीज़ हुई है। तो आपको कैसे ये भविष्यवाणी हो गई कि ये सब सीन फिल्म में दिखाया ही गया है 100%? सुनी सुनाई बात है। तो मतलब किसी के बोलने पे आपने इतना विश्वास कर लिया कि आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया, जाके कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ दी, किसी को धमकी दे डाली कि आप उसकी नाक काट दोगे। तो मीन्स हाउ? अगर ट्रेलर देख के पता चला है तो जितना मुझे याद है ट्रेलर में, तो ट्रेलर शुरू होता है शाहिद कपूर के राजपूत वॉरियर्स कितने ब्रेव होते हैं ये बताने के डायलॉग के साथ। रोमांटिक एंगल और कुछ दिखता है तो वो दीपिका पादुकोण शाहिद कपूर का सहरा या जो ताज उन्होंने पहना रहता है उसको सजा रही रहती है, वो है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर आता है जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जो अपने ताकत के नशे में चूर है, उसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में पसंद है, तो एकदम नेगेटिव दिखाया गया है। उसके बाद कुछ वॉर सीन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमैक्स के इमोशनल सीन्स हैं, और ट्रेलर एंड होता है विद द डायलॉग ऑफ दीपिका पादुकोण सेइंग कि जितनी ताकत राजपूताना तलवार में है उतनी ताकत राजपूती कंगन में भी है, जो मतलब ये समझा रही है कि राजपूत मेंस जितने ब्रेव है उतने ही ब्रेव राजपूत औरतें भी हैं। तो इससे तो मुझे इससे जुड़ा हुआ कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल पार्ट नहीं लगा। आपको लगा क्या? डेफिनेटली आपको भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या बोलूँ मैं? तो मैं पद्मावती को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये जो एलिगेशंस है ये कुछ भी ठोस मुद्दे पे नहीं है, सब सुनी सुनाई बातों पे हुआ है। तो आई ट्रूली सपोर्ट पद्मावती। दोस्तों, मैं सिर्फ इन प्रोटेस्टर से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे देश में हैं। अगर आपके पास इतनी ताकत है, इतनी पहुँच है, आपकी आवाज़ में उतनी दम है कि आप सरकार को हिला सकते हो, तो आप उन मुद्दों के ऊपर जो हमारे देश की प्रॉब्लम्स है उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? बहुत से गुनहगार आज़ाद फिर रहे हैं, रेप करके लोग भाग जाते हैं, उन गुनहगारों को सज़ा मिलने में टाइम लगता है, वैसे गुनहगारों को जाके आप धमकाइए, हाथ पैर काटने की बातें कीजिए, तो तब आप क्यों नहीं करते? और दोस्तों, क्या है कि ऐसी सब चीज़ों पर अगर किसी को आवाज़ उठाने कहाँ जाए ना, और ये सब जो हिंसा यहाँ पे दिखाते हैं वहाँ पे अगर करके दिखाने बोले, तो उनका कहना ये होता है कि भाई कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, गुनहगारों को सज़ा देने के लिए हमारा संविधान है, कानून है। लेकिन भाई मूवी में अगर कुछ गलत दिखाया जाता है तो उसका भी एक संविधान है, उसका भी कानून है, जिसे सेंसर बोर्ड कहते हैं। अगर आपको फिल्म में कुछ गलत लग रहा है तो आप उनसे कंप्लेंट कीजिए, वो बैठ के सही मशवरा लेके वो चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे, और उनके जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो और भी प्रोसीजर है शांत और अच्छे वे में प्रोटेस्ट करने के। पर ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि शांत और अच्छे वे में आप प्रोटेस्ट करो तो कोई देखेगा नहीं, पब्लिसिटी मिलेगी नहीं, तोड़फोड़ करो तो ही पब्लिसिटी मिलेगी, तो इसलिए ये सब होता है। और आजकल का ज़माना ही ये है कि आप स्टेज पर चढ़ के किसी की तारीफ करो तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन उसी स्टेज पर चढ़ के किसी को आप गाली दो तो हज़ार लोग आपको देखेंगे, लाखों लोग आपका वीडियो बनाएंगे, और करोड़ों लोग उसको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे उस वीडियो को। तो चलिए, ये तो बहुत सीरियस टॉपिक पे चले गए, हम वापस अपने एक्चुअल मुद्दे पे आते हैं। तो पद्मावती मेकर्स ने, संजय लीला भंसाली ने,
क्या किया इन ऑब्जेक्शंस और कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, उन्होंने बहुत से बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स जो अपने चैनल में और अपने फील्ड में बहुत महारत हासिल की है जिन्होंने, उन लोगों को ये फिल्म दिखाई और कहा कि आप अपनी राय दीजिए कि क्या फिल्म में ऐसा कुछ गलत दिखाया गया है कि नहीं। और सारे न्यूज़ मेकर्स और सारे ये न्यूज़ एंकर्स ने कहा कि फ़िल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिल्म काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छी बातें कर रही हैं राजपूत फैमिलीज़ के बारे में। रजत शर्मा जिसमें से एक थे, आप जानते ही होंगे रजत शर्मा को, आपकी अदालत में जो लोगों पे होलसेल में इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्होंने कहा फिल्म बड़ी अच्छी है और इसमें किसी भी समाज को हर्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, पद्मावती की प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि सेंसर बोर्ड के पास उन्होंने अपनी अर्ज़ी लगाई है, संजय लीला भंसाली ने, फिल्म को रिलीज़ करने की। तो सेंसर बोर्ड ने एक पैनल बनाया है हिस्टोरियंस का, जो पिक्चर को देखेंगे उनके साथ और हिस्ट्री के जानकार हैं, तो उनके साथ वो अपनी राय देंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो बैठ के फैसला लेंगे कि फ़िल्म को रिलीज़ किया जाए या कुछ सीन्स को हटाया जाए या इस फिल्म को नहीं रिलीज़ किया जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, प्रॉब्लम अब शुरू होती है कि वन ऑफ़ द हिस्टोरियंस, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी नाम लेना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तक वर्डिक्ट बाहर नहीं आया है, तो उनका ये कहना है कि फ़िल्म में थोड़े बहुत चेंजेस है एज़ पर द हिस्ट्री, कुछ चीज़ें हैं आगे पीछे। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि गलत दिखाया गया है या जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं ये सारी सीन उसमें हैं, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। थोड़ी फेर बदल आगे पीछे कम ज़्यादा 19-20 है, इतना ही उन्होंने कहा है, और दैट इज़ ओनली वन पर्सन, और भी लोग हैं। तो गाइस, हिस्ट्री के मामले में ये होता है, जब चार हिस्टोरियंस बैठे होते हैं तो किसी को किसी के बारे में ज़्यादा मालूम है, किसी को किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में ज़्यादा मालूम होता है, तो चीज़ें डिबेट होती हैं। तो अभी ये नहीं कह सकते क्योंकि एक ही आदमी ने कहा है, अब वो सब बैठेंगे, सलाह मशवरा लेंगे, तब डिसाइड होगा कि सच में क्या कम ज़्यादा है या क्या गलत है। लेकिन बोलना ये है कि अगर सब लोग एक निर्णय पर निकले कि हाँ कुछ आगे पीछे किया गया है, तो ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो चढ़ जाएंगे फिल्म पे, चाहे उनके कहे गए एलिगेशन सच ना हो, पर इस बात पे चढ़ जाएंगे कि हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ किया गया है। सो गाइस, ये हो गए सारे एलिगेशन, कंट्रोवर्सीज, और आपने सुनी हमारी राय। अब बारी है आपकी, तो अब आपको बताना है कि क्या ये सब चीज़ें सही है या गलत, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए या नहीं रिलीज़ होनी चाहिए, डू यू सपोर्ट पद्मावती और यू डोंट सपोर्ट पद्मावती। तो जितने भी फैंस हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर के, गाइस नाउ इज़ द टाइम टू से समथिंग, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दिख रहे हैं लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है इस प्लेटफॉर्म से हम ये दिखा पाएँ कि हम फिल्म के कितने सपोर्ट में हैं। सो नाउ कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, प्लीज़ टेल, बताइए कि आपकी राय क्या है, इफ़ यू आर सपोर्टिंग इट प्लीज़ टेल। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं या जो भी आपकी राय है पद्मावती के बारे में, प्लीज़ शेयर अस इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी हमने बताया कहाँ, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और इस बात को, इस मैसेज को आप और फैलाना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है, बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम रिविनेशन। और नए साल में हम वापस बहुत जल्दी मिलने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, सो स्टे ट्यून। और अभी के लिए मैं यही कहूँगा, अपना 31st एंजॉय करो, एंड कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि नए साल में बहुत जल्दी मिलूँगा। गुड बाय।